Good morning to all the students of class 5. So today, in the class of SST, we will study chapter 5, Greenland. जो previous classes में भी हम लोग पढ़ रहे थे, उसके आगे के topics को आज हम लोग देखेंगे. तो student of class 5, firstly open your book and we will start our today's class. Okay students, so open your book. तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या पढ़ा था? Greenland पढ़ा था. Greenland के बारे में लोगों ने पढ़ा था. इसका location क्या है? इसकी history क्या है? इसको किसने found की है Greenland को? Okay students. So next in this today's class आप हम लोग पढ़ेंगे land purchase of Greenland, climate of Greenland, vegetation of Greenland and the life of the people of Greenland. So आप लोग ready हो जाइए. We will study. Now हम लोग पढ़ना start करते हैं students. Okay? लेकिन हम लोग book भी साथ में open करेंगे और pencil भी निकाल लेंगे साथ में हम पढ़ाई करके. So land of Greenland या land surface of Greenland कैसा होगा क्या होगा वो हम लोग पढ़ते हैं. तो Greenland is a low plateau surrounded by coastal mountains. Greenland क्या है? एक plateau है, एक पठार है जो mountain से घिरा हुआ है. These mountains are always covered with thick snow. ये जो mountains है ये हमेशा thick snow यानी कि बर्फ की परतों से घिरे हुए रहते हैं, बर्फ की परतों से ढके हुए रहते हैं. This ice covering moon at ice cap और इसी परत को, इसी बर्फ के जमाव को, इसी बर्फ के परत को हम लोग इंग्लिश में आइस कैप भी कहते हैं. जो माउंटेन के ऊपर बर्फ का परत झुका हुआ होता है उसको हम लोग आइस कैप भी कहते हैं. लेट अस रिकॉल, एक बार हम फिर से देखते हैं. ग्रीनलैंड एक लो प्लेट्यू है जो माउंटेन से सराउंडेड है, माउंटेन से घिरा हुआ है. ग्रीनलैंड एक पठार है जो कि माउंटेन से घिरा हुआ है. स्टूडेंट्स द माउंटेन आर ऑलवेज, और वो जो माउंटेन है वो क्या है? ऑलवेज कवर्ड विद थिक स्नो और थिक आइस पीक. इट इज नोन एज आइस कैप. उसी बर्फ के परतों को हम लोग आइस कैप कहते हैं जो माउंटेन में जाके चिपक जाता है. अब ये जो एरिया है वो इतना कोल्ड क्यों होता है? ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. बिकॉज ऑफ देयर इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और ये जिस प्लेस में पाया जाता है वहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी क्यों पड़ती है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग प्रीवियस क्लास में साथ देख चुके हैं. सो अब हम लोग बुक से भी देखते हैं कुछ, क्योंकि सब कुछ लिखना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है. डायरेक्ट का यहाँ पे बुक ओपन करवाया गया है. तो आप भी अपना बुक ओपन करिए और हम लोग साथ में देखते हैं. तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम यहाँ पे आइस कैप तक पढ़ चुके हैं, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन में विंड ऑफ आइस कैप ब्रेक ऑफ फ्रॉम द मेन मास ऑफ आइस. जब स्प्रिंग सीजन आता है तो ये क्या होता है? थोड़ा थोड़ा आइस उसमें से पिघलता है और जाके डायरेक्ट ओशियन में गिरता है. द फ्लोटिंग ब्लॉक ऑफ आइस आर नोन एज आइसबर्ग. जो सारा का सारा आइस पिघलने जाता है, कुछ आइस उस पर ऊपर से गिरता भी है, वो डायरेक्टली जाके माउंटेन में गिरता है और उसी आइस को हम लोग आइस बर्फ कहते हैं. और सीरियसली स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे. देयर आर
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ विंटर, यहाँ पे विंटर में बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है, सन बिल्कुल नहीं दिखता है, कभी भी नहीं दिखता है, बहुत बहुत महीनों तक सन नहीं दिखता है. एंड इसको हम लोग डार्कनेस या फिर कोल्डनेस ऑन एक्सट्रीम लेवल होता है, इसको हम लोग डार्कनेस भी कहते हैं. लेकिन आगे भी हम लोग देखेंगे कि क्या है. हाउएवर इन समर, समर में क्या होता है कि सन सन विजिबल होता है, सन का सूर्य की रोशनी आती है, और सूर्य की रोशनी ऐसे आती है कि कुछ 12 घंटे नहीं बल्कि पूरे 24 के 24 घंटे रहती है. इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है. ग्रीनलैंड क्या है, लैंड ऑफ मिडनाइट है, बिकॉज यहाँ पे सूर्य रात में भी आपको दिखेगा इन समर. एंड द टेम्परेचर ऑफ ग्रीनलैंड इज 0°C, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 0°C होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने लैंड सरफेस एंड क्लाइमेट यहाँ पे पढ़ा. अब हम लोग देखेंगे कि वेजिटेशन कैसा होता है, वनस्पति यहाँ का कैसा होता है. अगर ऐसा हार्श कंडीशन है तो किस टाइप का वेजिटेशन वनस्पति होता है वो हम लोग पढ़ेंगे. द वर्ड ग्रीनलैंड, मैंने कल भी बताया था, ग्रीनलैंड वर्ड से हमारे दिमाग में क्या आता है कि ग्रीनलैंड ऐसा वर्ड है जहाँ पे चारों तरफ हरियाली होगी, हरा भरा सब कुछ होगा. बट स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, और होता क्या है वो देखिए, ये जो जगह है वो पूरा का पूरा आइस से ढका हुआ है, और यहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट मतलब गलता है. ओनली इन समर ओनली फ्यू प्लांट, छोटे छोटे ओनली फ्यू प्लांट्स आर ग्रोइंग हियर, क्योंकि वहां पे वैसा कंडीशन ही नहीं है बड़े बड़े प्लांट्स हो सके या पेड़ पौधे हो सके. तो देखते हैं क्या है, मॉसेस, लीचेस, ग्रासेस, बस एकदम छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वही यहाँ पे उग सकते हैं बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, गलते क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से. ब्यूटीफुल फ्लावर कैन ऑल्सो बी सीन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, सुंदर सुंदर फ्लावर आपको देखने को मिल जाएंगे बटे होंगे स्प्रिंग सीजन. बेरीज लाइक ब्लू बेरी एंड कैन बेरी आर फाउंड हियर, देयर इज नो फॉरेस्ट, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं है. आपको पता ही है कि फॉरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वाटर एंड सनलाइट, क्योंकि यहाँ पे वाटर तो है बट सनलाइट अच्छी मात्रा में नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है. वुड हैज टू बी ब्रॉट इन हियर फ्रॉम अदर प्लेसेस, अगर यहाँ पे लकड़ी की जरूरत होती है तो वो किसी और प्लेस से आता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है तो लकड़ी नहीं हो पाता है. अब यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट स्टूडेंट्स ये है कि ये इतने, अब हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, बट इतना हार्श कंडीशन होने के बावजूद यहाँ का वाइल्ड लाइफ अच्छा है. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे है. ग्रीन लैंड हैज हार्डली एनी वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन है, बट इट इज रिच इन वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ में रिच है. एनिमल्स विच कैन बियर एक्सट्रीम कोल्ड फाउंड हियर, एनिमल्स होते हैं वहाँ वो वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड में भी आराम से रह सकते हैं, उनका वैसा हैबिट बन चुका है. देखते हैं कॉमन एनिमल्स क्या है, तो क्या है, रेनडियर, पोलर बियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, वुल्फ, बियर्स, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं. और उस एनिमल्स के ऊपर क्या होता है, मोटे थिक लेयर का फर होता है जो कि उनको ठंडी से प्रोटेक्ट करता है. कुकीज आर इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल वाइडली यूज्ड इन हंटिंग एंड कूलिंग सीजन, कुकीज जो होते हैं उनको सामान ढोने के लिए या फिर हंटिंग के लिए यूज किया जाता है, एज अ ट्रांसपोर्टिंग एनिमल ही होते हैं. बर्ड लाइक आर्कटिक टर्न, डक्स, गीज एंड वाटर्स आर फाउंड इन समर, यहाँ पे कुछ बर्ड्स समर में पाए जाते हैं लेकिन विंटर में ये क्या होते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं. माइग्रेट मतलब दूसरी जगह चले जाते हैं, साउथ पोल में चले जाते हैं. द आर्कटिक टर्न इज द ग्रेटेस्ट माइग्रेटरी बर्ड इन द वर्ल्ड, जो आर्कटिक टर्न है ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा माइग्रेट करने वाला बर्ड है, मतलब कितना प्लेस बदलने वाला बर्ड है पूरे वर्ल्ड में, कौन सा, तो आर्कटिक टर्न. अब देखते हैं कि इतना हार्श कंडीशन होने के बावजूद वहां के पीपल का लाइफ कैसा होता है और वो अपना लाइफ कैसे व्यतीत करते हैं. तो लाइफ इज वेरी हार्ड ऑन दिस आइलैंड, हार्ड तो होगा स्टूडेंट्स क्योंकि हम लोग इसके क्लाइमेटिक कंडीशन को देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन. ऑलमोस्ट ऑल द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर स्कीमोस एंड और इनुइट्स, यहाँ के ऑल द पीपल जितने भी पीपल होते हैं वो स्कीमोस होते हैं. एंड और वो अब ग्रीन लैंडर्स कहलाते हैं. द फ्यू स्कीमोस दैट आर लेफ्ट इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ ग्रीनलैंड, कुछ ही बचा है क्योंकि लोग अपने आप को अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए वो जाके यूरोपियन से मिले हैं, क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन भी कंपेयर टू ग्रीनलैंड बेटर है एंड अपने डेवलपमेंट के लिए. लेकिन
का ड्रेस पहनते हैं ताकि वो उनको गर्मी महसूस हो और वो ठंडी कोल्ड से बच सके। लॉन्ग लेदर शूज, बड़े बड़े शूज पहनते हैं, डबल सेट ऑफ ट्राउजर, डबल डबल ट्राउजर पहनते हैं एंड स्नो टू प्रोटेक्ट देम स्नो एंड कोल्ड, उनको स्नो एंड कोल्ड से बचा सके। देयर कोट्स कंटेन वुड, उनके जो कोट होते हैं वो में वुड होता है ताकि वो उनका बैक साइड का जो हेड है उसको कवर कर सके। और इस टाइप के कोट को हम लोग पढ़कर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही पढ़ने के बाद आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो आज हम लोगों ने ग्रीन लैंड के लैंड सर्फेस के बारे में पढ़ा, विच टाइप ऑफ लैंड सर्फेस, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पढ़ा, वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा एंड लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इग्नू से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। बट स्टूडेंट्स आपके लिए आज कुछ होमवर्क है, सो आप इसको अच्छे से होमवर्क को कम्प्लीट करिएगा और बुक को 2 से 3 बार रेड जरूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से आपका चैप्टर कम्प्लीट नहीं हो जाएगा, आपको बुक भी रीडिंग अच्छे से करना पड़ेगा। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो देखने के बाद आप बुक को अच्छे से पढ़िएगा और खुद से क्वेश्चन आंसर करिएगा एंड इसमें जो मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ इसका आंसर लिखने का कोशिश करिएगा खुद से इन योर ओन सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वो। तो एज नंबर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो बड़ा बड़ा से लिख रही हूँ कि आप लोगों को ये नाम मुझे दिख नहीं रहा है, इसका प्रॉब्लम ना। व्हाट आर आइस बर्ड्स, अब आइस बर्ड्स क्या है, ये क्या है, फ्लोटिंग ऑफ आइस है जो कि माउंटेन से गिरता है एंड हाउ आर दे डेंजरस, और ये डेंजरस कैसे है, हाउ आर दे डेंजरस कैसे है, क्योंकि इसका ओनली 10% भाग जो है वो विजिबल है एंड 90% भाग जो है वो वाटर के अंदर रहता है, दैट इज व्हाई ये हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि ये सिर्फ को डेंजर में डाल सकता है क्योंकि पता नहीं चल पाता है। अब आपको लिखना है नेम फॉर एनिमल फाउंड इन ग्रीनलैंड, ये भी बहुत ही स्टूडेंट दो तीन मेरे मुंह में ही याद है, और ये फॉक्स हो गया, पोलर बियर हो गया, ग्रीनलैंड ये भी बहुत इजी हुआ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वियर, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ दे What kind of clothes do people in the land wear and wear? क्यों पहनते हैं? तो what kind of clothes पहनते हैं? गर्म करने वाले clothes ताकि ये harsh conditions से बच सके। ओके स्टूडेंट्स,